तो ये देख सकते हो, ये फाइनली हमारा ये मिरर ग्लास लग चुका है। तो उसके अंदर ये पूरा ये फिटिंग कर रहे हैं वार्डरोब के अंदर। तो इसके ऊपर देख सकते हो, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंटीरियर फर्नीचर आइडियाज़। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो ड्रेसिंग टेबल का जो डोर रहता है, जो पल्ला रहता है, तो उसके ऊपर मिरर ग्लास किस तरह से फिटिंग करते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये मिरर टेप है। तो ये मिरर टेप के ऊपर आज हम पूरा ये जो देख सकते हो, जो डोर है, ये डोर दिखाइए, ये डोर के ऊपर ये पूरा एब्रो टेप से पूरा पेस्ट करके दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो आप देख सकते हो, ये मिरर का माउंटेन टेप है। इसके अंदर ये 1 इंच का मिरर टेप है। तो उसी के साथ ये देख सकते हो आप, ये इसके अंदर ये उसी के साथ ये आता है 3M का लिक्विड जो प्राइमर है। तो ये पूरा इसके ऊपर ये पूरा ये पेस्ट होगा प्लाई के ऊपर। तो ये पूरा मेकिंग करके दिखाएंगे आज की वीडियो में। तो पहले तो हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो जिधर भी हो थोड़ा मोड़ा जो गंदा होगा, तो ये पूरा कपड़े से, पूरा सूती कपड़े से पूरा ये पूरा जो भी है पूरा क्लीन करके ले लेंगे पहले। तो उसके बाद जो 3M का जो प्राइमर रहता है, तो आप देख सकते हो ये प्राइमर, तो हम ये जो चारों कोने के जो हिस्से है तो उसके ऊपर ये पूरा घुमाएंगे। तो ये घुमाने के बाद जिधर भी इसका जो निशान होगा, तो उस हिसाब से उसके ऊपर ये पूरा टोटल उसके ऊपर पूरा 3M का मिरर टेप आएगा उसके ऊपर से। तो उससे होगा क्या कि ये पूरा पूरा बड़े मजबूती से बैठेगा टेप ऊपर का, तो निकलेगा भी नहीं। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से इसके ऊपर ये पूरा ये देख सकते हो, इस तरीके से इसके ऊपर ये पूरा ये, तो इस तरीके से 3M का लिक्विड ये पूरा जो भी जितना चारों साइड का स्क्वायर है तो इसी हिसाब से लगा सकते हैं। और आप चाहे तो इसी के अंदर ये पूरा जो स्क्वायर लगाने के बाद आड़े आड़े वर्टिकल भी लगा सकते हो, तो उस तरीके से ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं, तो इसका देख सकते हो जो प्राइमर है, तो इस तरीके से आड़े आड़े वर्टिकल में भी लगा सकते हो आप। और उसका जो धार देख सकते हो आप, ये धार लिया है हमने पूरा सनमाइका का बॉर्डर, पूरा ये 3 से 3.5 इंच का पूरा बॉर्डर लिया है। और उसके बीच में पूरा मिरर टेप के ऊपर मिरर ग्लास बैठेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखेंगे कि इसके ऊपर ये देखिए आप, ये इस तरीके से देख सकते हो, इसके अंदर ये हमने इस तरीके से इसके ऊपर ये देख सकते हो, इस तरीके से इसके ऊपर ये पूरा ये मिरर टेप लगा रहे हैं। जो सनमाइका का जो धार रहता है पूरा अंदर का, तो उस लेवल से उसके ऊपर ये पूरा मिरर टेप लगा रहे हैं। ले तो उस साइड का होने के बाद इस साइड में बराबर हो, उसी हिसाब से इस हिस्से में पूरा एब्रो टेप आएगा। ये पूरा माइका छोड़ के लगा रही है इसके ऊपर, तो इसी तरीके से इस साइड भी पूरा एब्रो टेप आएगा। ये तो ये हिस्सा जो है ये पटासी की मदद से पूरा ये कट कर रहे हैं। तो इस साइड में देख सकते हो जो कट पीस पड़ा है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कट पीस में लगा रहे हैं, तो उसके अंदर ये बैठ भी जाएगा पूरा ग्रिप पकड़ के एकदम। तो ये बीच के हिस्से में भी देख सकते हो जो कट पीस है उसके अंदर ये पूरा ये 2-2 इंच का कट पीस लगाया हुआ है। तो ये बैठेगा भी बड़ी मजबूती से इसके अंदर ये पूरा। तो होने के बाद ये देख सकते हो, ये ऊपर का जो इसका ये कैरी बैग है, ये ऊपर का ये पूरा, तो जो ऊपर का जो स्टिकर है ये पूरा वो पेस्ट होने के बाद ये पूरा इस तरीके से ये पूरा निकल जाएगा। तो इसके ऊपर ये पूरा ये ग्लास बैठेगा इसके ऊपर अभी। तो ये जो पीछे का हिस्सा देख सकते हो ये ग्लास का, तो ये सूती कपड़े से ये पूरा अच्छा ये पूरा क्लीन करके ले लेंगे ताकि वो अच्छे से पूरा ग्रिप मिल जाए उसको, और पेस्ट भी बड़ी मजबूती से होगा ये।
इसके ऊपर देख सकते हो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये पूरा इस तरीके से पूरा ये मिरर ग्लास बैठेगा इसके ऊपर। तो इसके बाद ये ऊपर से पूरा ये पेस्ट करेंगे धीरे धीरे ताकि ये पेस्ट हो ये पूरा टोटल। तो ये स्क्वायर में देख सकते हो आप पूरा ये जो बॉटम है ये पूरा ये डोर का 3 से 3.5 इंच दिख रहा है माइका का। तो इसी हिसाब से पूरा ये मिरर ग्लास पेस्ट होगा ये पूरा टोटल। तो ये हमारा पूरा ये पेस्ट होगा ये पूरा ये हमारा मिरर ग्लास। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हो। तो भी इसको ये पूरा ये फिटिंग करके देखेंगे ये पूरा ये पेस्ट हो गया हमारा पूरा ये मिरर ग्लास। तो ये देख सकते हो ये फाइनली हमारा ये मिरर ग्लास लग चुका है। तो उसके अंदर ये पूरा ये फिटिंग कर रहे हैं वार्डरोब के अंदर ये सेंटर में इस तरीके से हमने इसके अंदर ये ड्रेसिंग टेबल लिया है। तो चारों साइड से इसके अंदर 3-3 इंच का पूरा स्क्वायर का माइका लगा के 3-3.5 इंच का बीच सेंटर के अंदर इसके अंदर हमने ये मिरर ग्लास लगाया है। तो तकरीबन मिरर ग्लास का साइज़ है 12 इंच चौड़ाई में और इसका जो हाइट है ये पूरा ये 4 फीट है। तो देख सकते हो ये हमारा पूरा ये मिरर लग चुका है इसके अंदर ये। तो ओपन कीजिए डोर। तो ये देख सकते हो ये पूरा हमारा ये मिरर ग्लास फाइनली लग चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।